गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए हम आज अपनी नेक्स्ट शीट करते हैं। कल मैंने आपको बार डायग्राम्स के बारे में बताया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स और वी कैन ड्रॉ द बार डायग्राम्स इन द टू फॉर्म्स, वर्टिकल बार डायग्राम्स एंड हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स। कल हमने वर्टिकल बार डायग्राम्स की शीट्स की थी। दो शीट्स मैंने आपको बनाने के लिए बोला था, एक तो त्रिवंतपुरम का मीन मंथली रेनफॉल ऑफ त्रिवंतपुरम, सेकेंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 1901 टू 2011। टुडे वी विल डू द हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम को, ये बेटा आपको सारे नेम पता होने चाहिए क्योंकि ये आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम का अदर नेम ऑफ द इन द हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेयरकेस बार डायग्राम। ठीक है, बार डायग्राम जो है उसको हम कॉलमन बार डायग्राम भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम को स्टेयरकेस भी बार डायग्राम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसा मैंने कल आपको इसके रूल्स में बताया था कि जब हम हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम एक और रूल फॉलो करते हैं कि हमें जो डाटा है उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं तो जो डायग्राम बनता है वो स्टेयर लाइक बनता है, यानी जैसे कि सीढ़ियां हो, छोटी बड़ी, बड़ी बड़ी, या बड़ी छोटी छोटी। ठीक है, तो इसलिए इसे स्टेयर केस डायग्राम भी कहते हैं। आपसे रीजन भी पूछ लिया जाए तो आप इजिली बता सकते हो। अब इसको बनाने का मेथड क्या है? सबसे पहले आप डाटा लिखो इंडिया पॉपुलेशन ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स वन। ये आपकी शीट की भी जो है हेडिंग रहेगी। अब इसमें आपके यहाँ पर स्टेट है और इधर पॉपुलेशन, स्टेट फर्स्ट है हरियाणा एंड पॉपुलेशन इज 2,10,82,989। सेकंड है उत्तर प्रदेश and the population is 16,60,52,859। third है बिहार 8,28,87,796। fourth है west bengal, ये है आपकी 8,02,21,171। फिफ्थ है झारखंड, झारखंड की है 2,69,69,428। सिक्स है मध्य प्रदेश 6,03,85,118। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है 2,07,95,956। एट है तमिलनाडु, तमिलनाडु की है आपकी 6,21,10,839। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की है 9,67,52,247। करेक्ट। इसके बाद आपकी आती है राजस्थान, लिख लो आप
राजस्थान, राजस्थान की है 5,64,73,122। आंध्र प्रदेश 7,57,27,541। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको पॉपुलेशन इन राउंड फिगर्स ले लोगे। ये आपको टेबल लाइन वाले पेज पर बनानी है। यहाँ पर पॉपुलेशन इन करोड़ है आपके पास, इसको आपने राउंड फिगर में ले लेना है। तो राउंड फिगर जो है वो हम 1 पॉइंट तक ही इसमें शो कर लेंगे, क्योंकि हमें बार डायग्राम्स बनाने हैं। तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट जो हमारा डिजिट्स है, फर्स्ट 3 डिजिट्स उनको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 पॉइंट। अब 1 के आगे 0 है तो ये 1 सेम रहेगा, 2.1। ऐसे ही इन तीनों को देखेंगे, 16.6 के आगे भी क्या है, 0, तो 6.6। फिर है आपका दिस वन 8. अब 2 के आगे क्या है, 8, दैट इज ग्रेटर देन 5, सो वी विल इंक्रीज 1 in 2। तो क्या हो जाएगा ये 8.3। हम एक नंबर इसको इंक्रीज कर देंगे बिकॉज द नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द 5। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 8.02, नेक्स्ट हो जाएगा 2.9 आ गया, क्योंकि तो क्या करेंगे हम इसको 7.60। ऐसे ही ये 2.1, ये हो जाएगा आपका 6.2 और ये हो जाएगा 9.7, ठीक। इसके आगे मैंने जो 2 नेक्स्ट नंबर बताया आपको, राजस्थान 5.64, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान का 5.6। और नेक्स्ट आपको बताया आंध्र प्रदेश 7.57, तो ये हो जाएगा 7.6। तो ये हमने क्या ले लिया, पॉपुलेशन इन राउंड फिगर्स ले ली। अब इसके बाद जो डाटा, जो हमने ग्राफ बनाना है वो इस राउंड फिगर के अकॉर्डिंग बनाना है। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, जब हमने पॉपुलेशन को ले लिया राउंड फिगर्स में, तो उसके बाद आपकी नेक्स्ट टेबल जो बनेगी वो बनेगी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की, इन विच यू वॉन्ट टू डू द ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो है आपकी टेबल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द, यहां पर हम असेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं, सेम टेबल आप बनाओगे, यहाँ पर स्टेट लिखोगे, फिर यहाँ पर पॉपुलेशन इन करोड़, और यहाँ आ जाएगी आपकी लेंथ ऑफ द बार इन सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टेट था छत्तीसगढ़, सबसे पहले आ जाएगा छत्तीसगढ़, जिसमें कितनी थी 2.0 और लेंथ ऑफ द बार भी आ जाएगी 2.0। नेक्स्ट आपका स्टेट आ जाएगा हरियाणा, हरियाणा का इससे ज्यादा था 2.1, तो लेंथ ऑफ द बार भी 2.1। अब हमने इसको जो है किसमें कर लिया कन्वर्ट, असेंडिंग ऑर्डर में। थर्ड आ गया आपका झारखंड 2.6, दैट इज ऑल्सो 2.6। नेक्स्ट है राजस्थान 5.6 और लेंथ ऑफ द बार इज ऑल्सो विल बी सेम। मध्य प्रदेश 6.0, तमिलनाडु 6.2, आंध्र प्रदेश 7.5, वेस्ट बंगाल 8, इसके बाद है बिहार 8.2, फिर है महाराष्ट्र 9.6,
और लास्ट है उत्तर प्रदेश 16.6. अब इसमें देखो आपको क्या कन्वीनियंट है, जब आपने एक बार असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लिया, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो. रिवर्स करोगे तो उत्तर प्रदेश पहले आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, सो ऑन. ठीक है, इसी का रिवर्स हो जाएगा. अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो तो आप ऐसे ही सेम इसको बनाओगे. अब इसमें आपका क्या है कि आपने रेंजेस यहीं से ले लेना है. ये हमारी मिनिमम रेंज आगे मैक्सिमम है, यानी 2 और 16.6. 16.6 मींस 17 तो हमें लेना ही लेना है. तो 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा लेंथ हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर हमें लेना होगा. तो हम स्केल ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 जो 1 सेंटीमीटर है वो 2 करोड़ पॉपुलेशन को शो कर रहा है. अब जब हमने स्केल ले लिया तो हम इसके लिए अब डायग्राम बनाएंगे. इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं व्हाइल ड्राइंग द हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, क्योंकि इस डायग्राम में सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं गलतियां कर जाते हैं छोटी छोटी. जैसे मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल में हमारा जो एक्स एक्सिस है वो वर्टिकल होता है, ठीक है, और जो मेजरमेंट हम लेंगे वो हमारा वाई एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी वाई एक्सिस ऊपर आएगा और वो एक्सिस इस तरीके से. यहाँ पर हमारी स्टेट्स शो करेंगे हम और यहाँ पर पॉपुलेशन इन करोड़. क्लियर? अब हमने कहाँ तक लेना था इसका, या तो आपका अगर स्पेस है तो आप 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो, अदरवाइज आप 2 का ले लोगे. 1 सेंटीमीटर जो है 2 को दिखा रहा है, तो फिर आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे. फिर हम 18 तक जाएंगे. अब इसमें क्या करना है आपको कि ये नंबरिंग इसी तरीके से शो करनी है सीधे, ठीक. अब हमने दूसरी चीज लेनी है बार्स. टोटल बार्स बनेंगी हमारी 11 और उनके बीच का स्पेस. तो मैंने 1 सेंटीमीटर का ही स्पेस ले लिया और 1 सेंटीमीटर की बार की विड्थ रख ली, ठीक है. आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे आप 1/2 सेंटीमीटर ये रख लीजिए और 1. कोशिश करना कि अगर आपके बार जो है या तो सेम उनमें डिस्टेंस हो, या फिर डिस्टेंस को आप कम कर लीजिए, बार की विड्थ ज्यादा रखिए अगर आपका स्पेस कम है. तो यहाँ पर हमने ये बार्स बना ली, इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे. अब पहली बार देखते हैं, पहले हमारा डाटा है 2.0 यानी छत्तीसगढ़, तो हम 2.2 तक पूरा जाएंगे और ये आपका आ गया 2. क्लियर? इसके बाद हरियाणा, साइड का डिफरेंस है 2.1, ऑलमोस्ट सेम ही है. ये हरियाणा के लिए हमने बार बना दी. नेक्स्ट आपकी आएगी झारखंड 2.6, तो ये हम 3 से थोड़ा सा लेस में चले जाएंगे. ये आपकी झारखंड की आ गई. इसके बाद है राजस्थान 5.6, 5 हमने पूरा लिया और इससे थोड़ा सा आगे 5.6, ये झारखंड के लिए हमने बार बनाई, सॉरी राजस्थान के लिए. नेक्स्ट है मध्य प्रदेश 6, तो मध्य प्रदेश के लिए पूरा जाएंगे हम 6 तक ऐसे. इसके बाद आपके तमिलनाडु 6.2, हल्का सा आगे. इस तरीके से आप सारे स्टेट्स के लिए बार बना लोगे. अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो लिखना है वो यहाँ पर स्टेट्स ही लिखना है 0, ठीक. अब क्योंकि यहाँ स्पेस इतना नहीं है, नॉर्मली मैं आपको क्या कहती हूँ कि जब आपने जनवरी फरवरी लिखना है या ईयर लिखना है, वो इन दो बार के बीच का, ये जो बार के बीच का स्पेस है वहां लिखना होगा. लेकिन ये हमारी स्टेट्स हैं तो लॉन्गर नेम है, तो आप इनके नेम कहाँ लिखोगे, इन बार्स के सेंटर में, इनके सामने. ठीक है,
नेक्स्ट जैसे था आपका हरियाणा, तो आप इसके आगे लिखोगे हरियाणा। ये आपको पेंसिल से ही लिखना है, कोई स्टेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं। गुड हैंड राइटिंग में आप जो है पेंसिल से लिखेंगे। इट इज अपॉन यू कि आप ये कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो या स्मॉल लेटर्स में, कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। ऐसे ही राजस्थान, सिर्फ आपको ये देखना होता है कि आपकी शीट जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इस तरीके से आप जो है अपनी शीट को डिजाइन करते हैं। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आप ज्योग्राफी में जब शीट्स बना रहे हैं तो आप अननेसेसरी कलर पेंस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे जो चीजें हैं बनती हैं, मैप्स बनते हैं, उनमें हर एक कलर का अपना एक इम्पोर्टेंस है, वो अपने एक पर्टिकुलर फीचर के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए मोस्टली हम जितनी भी शीट्स बनाएंगे उनमें या तो ब्लैक स्केच का यूज करेंगे या फिर पेंसिल का। जितनी हेडिंग लिखनी है आपने कोई कलर पेन यूज नहीं करना, सिर्फ ब्लैक स्केच यूज करेंगे आप। और जो बीच में ग्राफ बनाना है वो पूरा वर्क आपका पेंसिल से होना चाहिए। इस तरीके से आप सारे ग्राफ्स जो हैं, सारे बार्स जो हैं, वो यहाँ पर बना लेंगे। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने इसको हॉरिजॉन्टली क्यों प्लेस किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार्स क्यों बनाई, यहाँ पर क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ हमारा मेन मोटिव था स्टेट्स को कंपेयर करना एज पर देयर पॉपुलेशन, नॉट विद द रेफरेंस ऑफ टाइम। टाइम तो सबका सेम है, 2001 ईयर का भी हमने लिया है, बट यहाँ हमारा मेन मोटिव क्या है कि स्टेट्स को कंपेयर करना। जब हम हॉरिजॉन्टली इनको प्लेस करते हैं तो हम इजीली बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन सबसे कम है, और लास्ट में जब हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से इजीली एक ही लुक में हम जो है वो बता सकते हैं कि कौन सी स्टेट जो है कौन से प्लेस पर आती है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। बनाएंगे और सेकेंड जो है मैं उसके लिए आपको एक और डाटा सेंड करूंगी आफ्टर द एग्जाम। अभी के लिए आप ये शीट प्रिपेयर कीजिए। अगर इस शीट से रिलेटेड कोई डाउट है देन यू कैन आस्क नाउ। चलिए एक छोटा सा प्रदीप सर स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ। फोर्थ चैप्टर जो है हमारा रह गया था रिवीजन के लिए, उसकी रिवीजन